गाइस वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की सूखी सब्जी, वो भी महाराष्ट्र स्टाइल में। बहुत ही आसानी से कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है, आप कभी भी बना सकते हैं लंच में, बच्चों के टिफिन में, और हेल्दी तो है ही, बनती भी बड़ी फास्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने मेथी ली है जिसे मैंने बीन लिया है और अच्छे से धो लिया है, और काफ़ी सारी ली है क्योंकि मेथी ये सूखी होती है तो सूख बनने के बाद बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ली है। और यहाँ मैंने फ्रेश हरी मिर्च, लहसुन लिया है, ये भी ज़्यादा मात्रा में लिया है मैंने क्योंकि इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा यहाँ मैंने मूंगफली के जो दाने होते हैं उसे सेक कर उसका इस तरह से दरदरा मैंने कूट बना लिया है, चूरा बना लिया है पाउडर जैसा, ये भी इसमें डाला जाएगा। इसके अलावा मैंने नमक लिया है, जीरा लिया है, तेल लिया है, दैट्स इट। बस इन्हीं सब इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल ऑलरेडी गर्म है। इस टाइम पे हम जीरा डाल देते हैं, जीरा फ्राई हो रहा है, इसी टाइम पे मैं हरी मिर्च और लहसुन भी डाल देती हूँ और फिर थोड़ा पकने देंगे। देखिए लहसुन, हरी मिर्च और जीरा फ्राई हो गया है। इस टाइम पे मैं ये जो धुली हुई मेथी है ये इसमें डाल दूंगी। देखिए ये मेथी मैंने इसमें डाल दी है, अब हम इसे ढक के पकने देंगे, नमक अभी नहीं डालेंगे। देखिए 5 मिनट के बाद मैं इसे खोलती हूँ, ये मीडियम आंच पर मैंने इसे रखा था, पूरा इसने पानी छोड़ दिया है, इसी पानी में अब हमें इसे पकाना है। हमने नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक का अंदाज़ा नहीं आता है क्योंकि ये कम हो जाती है सब्ज़ी। अब मैं नमक डाल सकती हूँ, थोड़ा कम ही रखूँगी क्योंकि ये अभी और सिकुड़ेगी सब्ज़ी। तो अब इसे इसी पानी में, जो पानी इसने छोड़ा है, हमने ऊपर से कोई पानी नहीं डाला है, इसी पानी में इसे पकने देंगे। देखिए ये सब्जी को हमने मीडियम आंच पर करीब 15 मिनट तक पकाया है। देखिए अब सब्जी बिल्कुल पक गई है, पानी भी ऑलमोस्ट सूख गया है। इस टाइम पे हम ये जो मूंगफली का हमने कूट तैयार किया है वो डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैं एक बार मिला के देखती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा होता है तो सब्ज़ी थोड़ी मीठी लगने लगती है, तो ज़्यादा भी नहीं डालेंगे। ठीक है, इनफ है, इसको थोड़ा और पकने देंगे ताकि बचा कुचा पानी भी सूख जाए और उसके बाद हम सर्व करेंगे सब्जी। मेथी की सब्जी बनके रेडी है, इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ परोसें, बहुत ही टेस्टी लगती है। चाहे तो आप इसके साथ कोई साइड डिश ऐसा दाल भी बना सकते हैं, ये उसके साथ भी बहुत अच्छे से आप सर्व कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में, बाय बाय।